आप ये बताओ पहले मुझे कि भाई ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा। शुरू में मेरे पास एन ए था, मान लिया कि इसका एक मोल वन था, शुरू में टी इक्वल टू जीरो पर ए एन बना ही नहीं तो जीरो मोल। टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर हमने देखा कि भाई अल्फा जो है, यहाँ पर अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो यहाँ पे एन ए मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, एसोसिएट हुआ, तो यहाँ पे बनाया ए एन मॉलिक्यूल्स टी इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम टाइम पर। तो अब मैंने बोला कि अल्फा मोल एसोसिएट हुआ है, तो एक मोल में से अल्फा मोल क्या हुआ, घट गया, तो उतना ही यहाँ पर अल्फा बाई एन बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए आप। हेलो, यस सर, यस सर, नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? हेलो, कुछ तो बोलो यार, नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? कहाँ नहीं समझ में आ रहा वो मैं बताऊंगा, आप लोग बताइए तो सही एक बार। हेलो, वंशिका, तानिया, शिवानी, साहिल, क्रिस, धीमन, कहाँ नहीं समझ में आ रहा आप लोग बताइए यहाँ पे। हेलो, यार इतना शांत नहीं, आप लोग बताओगे तो ही मैं सॉल्व कर सकता हूँ कि भाई कहाँ समझ में नहीं आ रहा। Yes, हेलो साहिल, आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा, इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर। ये समझ में आ रहा है? नहीं समझ, आपकी आवाज कट रही है। हेलो साहिल, आपकी आवाज कट रही है, आप एक बार थोड़ा क्लियर बोलिए ना। हेलो ठीक एक बार रिपीट दोबारा। है, चलिए मैं एक बार रिपीट करता हूं। यहां पे आप लोग देखिए, मैंने क्या बोला कि भाई शुरू में, सब इरेज करता हूं मैं इसको। यहां पे देखिए शुरू में क्या था, एन ए मॉलिक्यूल्स थे, ए का एन टाइम मॉलिक्यूल्स था, और ये क्या हुआ, एसोसिएट हुआ, एसोसिएट होके जुड़ के क्या बनाया, ए एन मॉलिक्यूल्स बनाया, ठीक है। यानी कि पहले एन मोल था, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, घट के ए एन हो गया, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, एसोसिएट होके एक मॉलिक्यूल्स बना दिया। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई शुरू में मेरे पास ये एक मोल था टी इक्वल्स टू जीरो पर, जीरो का कहने का मतलब कि हमने जैसे ही डाला तो तुरंत डिसोसिएट तो नहीं होगा, सॉल्यूट को हमने ऐड किया इलेक्ट्रोलाइट को तो तुरंत डिसोसिएट नहीं हो जाएगा। मैंने माना कि भाई जैसे डाला तो शुरू में ऐसा क्या होगा कि भाई ये एक मोल हमने एन ए लिया तो एक ही मोल रहेगा, और शुरू में ये ए एन एसोसिएट हुआ ही नहीं तो जीरो मोल। फिर क्या हुआ, टी इक्वल्स टू मान लेते हैं टी टाइम पे, कुछ भी टाइम पे, कि भाई 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, हमने चेक किया कि भाई यहाँ पर अल्फा बता रहा है, अल्फा का मतलब क्या है, कि अल्फा का मतलब कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी कि कहने का मतलब अगर मैं बोलूं भाई कि अल्फा की वैल्यू क्या है, 10% है, 10% का कहने का मतलब कि भाई अगर मान लेते हैं कि 100 मॉलिक्यूल्स है तो उसमें से 10 मॉलिक्यूल्स हो गया क्या हो जाएगा, सॉरी 10 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और कुछ कुछ कम पार्टिकल्स बनाएंगे। सो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है, तो अल्फा अगर मान लेते हैं कि अल्फा मोल एसोसिएट हो रहा है, तो अब क्या होगा, आफ्टर टी टाइम बाद एक में से अल्फा मोल तो घट गया, तो यहाँ पे ए एन एसोसिएट होके कितना बनाएगा, अल्फा बाई एन मोल। इतना क्लियर हुआ क्या? यस सर, ठीक है। अब एक बात बताइए, टी इक्वल्स टू टी ये टाइम पर अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मुझे आई निकालना है ना, क्या निकालना है, वांट ऑफ फैक्टर, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा भाई, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या चाहे एसोसिएशन। तो यहाँ पे बताइए, जब एसोसिएशन यहाँ पे ए एन का हुआ है तो मैं वही निकाल रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूँ। तो अब एक बात बताइए, टी इक्वल्स टू टी पर इतना मोल तो बच गया, एक मोल था तो अल्फा मोल घट गया, तो जितना घटेगा वो तो यहाँ पे बन गया, लेकिन बचा हुआ एक मोल में से जितना बच जाएगा वो कितना होगा, 1 माइनस अल्फा मोल, और जितना बना हुआ ये अल्फा अपॉन एन। तो वो मैं कहना चाहता हूं कि अब टोटल मोल अगर मैं निकालूंगा, कितना टोटल मोल निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा बताइए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। इतना क्लियर हुआ क्या, यस टोटल मोल टाइम टी पर क्या होगा, इतना होगा 1 माइनस अल्फा, इतना मोल और अल्फा अपन एन को जोड़ दिया तो ये टोटल मोल निकल के आ गया। अब देखिए, वांट ऑफ फैक्टर अगर आपको निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, तो वांट ऑफ फैक्टर क्या बोल रहा है भाई, यहाँ से आई निकालना होगा अगर आपको, तो क्या बोलोगे भाई कि टोटल मोल, देखिए टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन, यहाँ पे देखिए टोटल
टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन, अच्छा एसोसिएशन। तो एक बात बताइए, बिफोर एसोसिएशन शुरू में कितना मोल था, एक मोल था कि नहीं था, ये वाला? यस सर। यस सर। और आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गए, 1 - α + α / n। तो अब मैं बोलूंगा सेम वही लिखूंगा, यहाँ पर आई की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा कि भाई टोटल मोल आफ्टर एसोसिएशन 1 - α + α / n अपॉन, और बिफोर एसोसिएशन क्या था, एक ही मोल था, यहाँ पे देखिए ये वाला, तो एक मोल था तो 1 से डिवाइड कर दो, तो यही आपका वन ऑफ फैक्टर आ गया है। अब इसको सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, यहाँ पर I equals to, यहाँ पर एसोसिएशन के केस में क्या लिख सकता हूँ बताइए, 1 - α + α/n, ये मेरा वांट ऑफ फैक्टर होगा कि नहीं होगा इन केस ऑफ एसोसिएशन? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर एसोसिएशन के केस में ये था तो डिसोसिएशन के केस में, अब यहीं पे रिजल्ट मैं बना देता हूँ, I equals to, ध्यान से सुनते रहिएगा कि एक तो पूरा ये वाला फॉर्मूला कि भाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर, ये किस केस में होगा, एसोसिएशन के केस में, ठीक है, और यहां पे क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन इक्वल्स टू, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 - α + α/n, इसको एक फॉर्मूला मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता बताइए आप लोग, बताइए आप लोग, इसका हम यूज करेंगे आगे चल के। अब एक और चीज, ये तो हमारा किस केस में हो गया भाई, एसोसिएशन के केस में हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं डिसोसिएशन के केस में, आ जाइए डिसोसिएशन के केस में, डिसोसिएशन में क्या होगा भाई, यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ए एन मॉलिक्यूल्स है, ए एन मॉलिक्यूल्स जो है डिसोसिएट होगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, एन ए मॉलिक्यूल्स। इसका सीधा एग्जांपल आप समझिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर Cl2 है और ये डिसोसिएट हो रहा है तो डिसोसिएट होगा तो 2Cl- में, यानी कि देखिए 2Cl मॉलिक्यूल था यहाँ पे An, यानी कि Cl2, तो N क्या है यहाँ पर 2 है, तो डिसोसिएट हुआ तो पहले एक मोल मान लेता हूँ कि ये कितना है, एक मोल है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बताइए, ये दो मोल बनेगा कि नहीं बनेगा डिसोसिएट होकर के, कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? हेलो, यस सर। आप बताइए ये दो मोल बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। ठीक है, इसका किसी का मतलब है, अगर मैं बोल दूं कि भाई अल्फा इक्वल्स टू यहाँ पर जो है 10% डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब कि 0.1, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा 10% ही डिसोसिएट हो रहा है, तो शुरू में मेरा एक मोल था तो डिसोसिएट कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। अब मैंने बोला कि भाई ये 10% डिसोसिएट हो रहा है, तो मैंने बोला कि भाई टाइम टी इक्वल्स टू पर ये पहले जीरो पर एक मोल था और यहाँ पर ये जीरो मोल था, क्योंकि जीरो पर यह डिसोसिएट हुआ ही नहीं था। फिर हमने बोला कि टाइम टी इक्वल्स टू टी पर ये क्या हुआ, 10% डिसोसिएट हुआ, इसका मतलब 0.1% जो है 0.1 डिसोसिएट हुआ। अब एक बात बताइए, 1 में से 0.1 मोल डिसोसिएट हुआ तो यहाँ पर कितना बनेगा, 0.1 × 2 मोल बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए? यस सर। Yes, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.2 मोल लिख सकता हूँ। सिमिलरली अब मैं यहाँ पर, अब एक बात बताइए, 0.9 मोल यहाँ बचा और 0.2 मोल यहाँ बना, बना कि नहीं बना बताइए आप लोग? यस सर। यस सर। अब मैं टोटल मोल निकालूंगा, टोटल मोल निकालूंगा तो क्या करूंगा, 0.9 + 0.2, तो ये टोटल मोल कितना हो जाएगा बताइए, 1.1 हो जाएगा। और टोटल मोल, और ये क्या है, आफ्टर डिसोसिएशन है कि नहीं बताइए आप लोग? यस सर। ये जो मोल आया है आफ्टर डिसोसिएशन आया है, इसका कहने का मतलब कि अगर मुझे आई निकालना है तो भाई बताइए, आफ्टर डिसोसिएशन चाहे एसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन 1.1 मोल है और बिफोर डिसोसिएशन क्या एक ही मोल था कि नहीं मोल था, यहाँ पे देखिए आप लोग,
तो आफ्टर डिसोसिएशन मोल कितना हो गया 1.1 और बिफोर डिसोसिएशन 1 से डिवाइड करोगे तो वन हाफ फैक्टर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 1.1 आएगा। तो बेसिकली अब यही सेम फेनोमेना हम क्या करेंगे यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो आप लोग मुझे बताइएगा कि यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है। सो अब एक बात बताइए कि ए एन मॉलिक्यूल्स था तो एन ए मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट हो गया, मैंने माना कि भाई टी इक्वल टू जीरो पर ये कितना था 1 मोल था तो ये डिसोसिएट हुआ ही नहीं क्योंकि अभी जस्ट हमने एड किया है। फिर क्या हुआ टी इक्वल टू टी टाइम पर हमने इक्विलिब्रियम बोले चाहे टी इक्वल टू टी टाइम पर थोड़ी देर बाद क्या हुआ एक मोल में से मान लेता हूं कि ये अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहा है तो एक मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट होगा तो घट गया यहाँ पे अल्फा तो यहाँ पर एन अल्फा बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे कि मान लीजिए कि सी एल टू 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 था तो कितना बना 2Cl बना कि नहीं बना 2 times तो सिमिलरली यहाँ पे ए एन है तो यहाँ पर एन अल्फा ए बनेगा। इतना लोगों को आप लोगों को समझ में आया? यस सर। अभी बात बताइए अगर मैं टोटल मोल निकालू टोटल मोल निकालू तो कितना आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा यही होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब इसको मैंने मान लिया अब एक बात बताइए जो टोटल मोल निकल के आए क्या आफ्टर डिसोसिएशन है कि नहीं ब्रेक होने के बाद ही है ना तो अगर मैं वांट ऑफ फैक्टर निकालूंगा तो बोलूंगा कि आफ्टर डिसोसिएशन क्या होना चाहिए ध्यान से सुनिए आफ्टर डिसोसिएशन मोल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन बिफोर डिसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन बिफोर डिसोसिएशन कितना है 1 मोल है तो आप डिवाइड कर दीजिए 1 मोल से तो आई की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा और यहां से मैं इन केस ऑफ डिसोसिएशन में क्या लिख सकता हूं बताइए 1 माइनस अल्फा क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है तो कोई सेंस नहीं निकलता उसका तो एन अल्फा आई की वैल्यू इतना निकल के आई की नहीं आई बताइए आप लोग? यस सर आएगी। लोग एग्री करते हो? यहाँ से एक मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ वो ध्यान से सुनिए कौन सा फॉर्मूला लिख सकता हूँ भाई आई इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और डिनोमिनेटर में क्या होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बिफोर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन ठीक है इक्वल्स टू क्या यहां पर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता बताइए आप लोग वांट ऑफ फैक्टर क्या बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन और यहाँ पे बिफोर डिसोसिएशन इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा क्योंकि हमने वही किया ना यहाँ पर वही किया है आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल थे 1 माइनस एन अल्फा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन 1 बिफोर डिसोसिएशन तो इसके इक्वल हमने कर दिया डिसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन में फर्क क्या है वो देखिए बस इतना ही है ठीक ना यहाँ पे अल्फा अपॉन एन है और यहाँ पर क्या है एन अल्फा है इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया अब आते हैं एक और यहाँ पे जो पिछली क्लास में थोड़ा बहुत ब्लर था उसको क्लियर करते हैं। अब बेसिकली ये यहाँ पर और एक दो और चीजें बताता हूँ मैंने बोला था कि भाई जो कॉनिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा मेरा मॉलिकुलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है मॉलिकुलर मास है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि यहाँ पर जो है वांट ऑफ फैक्टर जो है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इसको हम बोलते हैं कि भाई ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन सीपी का मतलब क्या होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलूंगा कि भाई नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये रेशियो होता है ध्यान से सुनिएगा कि वांट ऑफ फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं भाई ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ठीक है ये रेशियो इसका क्या होगा वांट ऑफ फैक्टर अब मैं यहां से बोलता हूं
कि भाई नीचे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, कि मैं अगर बोलूं कि भाई ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, नहीं 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 हाँ ऑब्जर्व सीपी को क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वन अपॉन इस वाले फॉर्मूले से, नोटिस करिएगा इस वाले फॉर्मूले से ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताइए आप लोग। यस सर, यस सर। तो अब एक बात बताइए, मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर होगा तो मैं वन अपॉन क्या मैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस सर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए आप लोग। यस सर। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जॉर्ब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखिए ये वाला ऑब्जॉर्ब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसका रेशियो क्या है, वन ऑफ फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई आ रहा है, तो यहाँ पे मैं अगर इसको डिवाइड कर दिया, जैसे यहाँ पे मैंने डिवाइड किया और इसको भी डिवाइड किया तो क्या निकल के आएगा बताइए, ऊपर आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? आप यहां से देखिए, मैंने बोला कि भाई ऑब्जॉर्ब जो है सीपी अपॉन क्या हो जाएगा, नॉर्मल जो सीपी है वो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या हो जाएगा ऑब्जॉर्ब मॉलिक्यूलर मास, ये रेशियो आएगा कि नहीं आएगा इसका, ऐसे प्रोपोर्शनल में अगर रखे तो? यस सर। यस सर। अब एक बात बताइए, ये जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसका रेशियो उठा के यहाँ पे रखता हूँ, ये वाला जो रेशियो निकल के कहाँ रख दू, यहाँ पे रख दू, तो रखूंगा तो अब ध्यान से सुनिएगा क्या आएगा, कि ये भाई मेरा हो गया नॉर्मल, इसको मैं मिटा देता हूँ, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, इसका भी रेशियो क्या होगा, वन ऑफ फैक्टर के बराबर होगा। इतना क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? यस सर। चलिए अब आते हैं यहां पर, अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि भाई ऑब्जर्व कोलिगेटिव नॉर्मल कोलिगेटिव, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, अगर मैं ये बोलता हूं कि भाई इतना बराबर है तो ये बहुत बढ़िया है, इसको थोड़ा बहुत याद रखिएगा। अगर मैं बोलता हूं कि भाई अगर एसोसिएशन हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर एसोसिएशन हो रहा है तो अब नॉर्मल कोलिगेटिव सॉरी नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास को क्या मैं इसके बराबर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, वन प्लस सॉरी वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, यहाँ पे देखिए ये किसका था, एसोसिएशन के केस में यही था ना, देखिए यहाँ पर क्या निकल के आया था, वन ऑफ फैक्टर, यहाँ पर वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, क्या मैं यहाँ से उठा के एसोसिएशन के केस में यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता ऐसे? ये आई के बराबर ही है ना, बताइए आप लोग। Yes, sir. ये किसके केस में है, एसोसिएशन, एसोसिएशन। अगर मैं सिमिलरली इसके बराबर क्या कर सकता हूँ, डिसोसिएशन होगा तब क्या होगा, डिसोसिएशन होगा तब क्या करूंगा भाई, वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, इसके बराबर मुझे करना पड़ेगा तो मेरा काम बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, और आगे भी जो भी मेरे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा। बेसिकली आप शुरू करते हैं यहाँ पर, ये जो है ना पहला जेईई मेंस का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, सो इसको सॉल्व करते हैं। एक मिनट आप लोग दो से तीन बार आप पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कि ये क्या कहना चाहता है, एक मिनट लीजिए इसको अच्छे से पढ़िए। चलिए चलिए पढ़िए आप लोग, सभी लोग ट्राई करिए, एकदम एटलीस्ट ट्राई करिए, नहीं होता है फिर मैं हूं बताऊंगा आप लोगों को। हम्म
चलो दोस्तों कोई बात नहीं, मैं बताऊं, किसी को समझ में आया क्या? हेलो, किसी को नहीं समझ में आया यार? हाँ या ना बोल दो। नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, वांट ऑफ फैक्टर का मतलब तो आप लोगों को बताया ही था। देखिए I इक्वल्स टू क्या था कि भाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है आफ्टर डिसोसिएशन चाहे आफ्टर एसोसिएशन, यही था ना टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और बिफोर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देंगे तो वांट ऑफ फैक्टर आएगा। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि भाई यहाँ पे कहानी क्या है। देखिए जेई मेन 2021 में पूछा हुआ है, इन्होंने बोला है और सॉल्वेंट यहाँ पर क्या बोला है, 50% ऑफ एन एसिड HA एसिड जो है वो क्या हो रहा है, डाइमेराइज हो रहा है। डाइमेराइज का मतलब क्या हुआ, ध्यान से वो आप सुनिएगा कि भाई देखिए यहाँ पर जो है HA जो है एक एसिड है, जैसे कि यहाँ पर H क्या होता है वो प्रोटॉन होता है, A क्या होता है मेरा एनायन होता है, जैसे कि ये क्या हो गया HCl। समझ में आया HA का मतलब कि भाई एसिड है। हमारे पास जो HA था ये क्या हो रहा है 50% डाइमेराइज हो रहा है। क्या हो रहा है 50% डाइमेराइज का मतलब कि अल्फा की वैल्यू कितना हो गई 50%, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अब बताइए अल्फा की वैल्यू क्या 0.5 हुआ कि नहीं हुआ। अब ये डाइमेराइज होगा तो मान लेते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहा है HA2। डाइमेराइज का मतलब यही होता है कि नहीं होता, बताते रहिए आप लोग। अरे बोलो यार, हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। इतना समझ में, तो बोलते रहो आप लोग कि भाई ये डाइमेराइज हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने बोला है कि रेस्ट एसोसिएट्स यानी कि 50% ही डाइमेराइज हो रहा है, तो 50% मॉलिक्यूल्स क्या हो रहेंगे एसोसिएट हो रहे, सॉरी डिसोसिएट हो रहे होंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये 50% क्या हुआ मेरा डाइमेराइज हो गया, और तो बाकी क्या होगा वो भी देखिए। और भी HA मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो जाएगा 50% का मतलब कि अल्फा इक्वल्स टू 0.5, ये भी 50% है, ये क्या हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो ये ब्रेक होगा तो किसमें हो जाएगा बताइए, H+ A- ब्रेक होगा कि नहीं होगा। अब मैं मान लेता हूं दोस्तों कि ये भी मेरा कितना था 1 मोल था, T=initial T=0 टाइम पर ये 1 मोल था, तो भाई एक भी मॉलिक्यूल एसोसिएट हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर सेम टाइम पर T=T पर हमने यहाँ पर सिमिलरली मैं यहाँ के लिए लिख देता हूँ कि भाई ये भी शुरू में क्या था भाई 1 मोल था, और ये भी मेरा 0-0 क्योंकि कोई ब्रेक ही नहीं हुआ, कोई मॉलिक्यूल्स अभी जस्ट हमने ऐड किया तो ना ब्रेक हुआ ना एसोसिएट हुआ। हमने माना कि भाई T=T टाइम पर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि यहाँ पर 0.5 के हिसाब से क्या हो गया ये डिसोसिएट हुआ, सॉरी एसोसिएट हुआ, अल्फा कैप एसोसिएट, यानी कि 1 मोल में से 0.5 मोल क्या हो गया बताइए घट गया एसोसिएट हुआ। तो एसोसिएट होगा तो घटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5/2 होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली वहां पे जैसे हमने कर रहे थे कि भाई यहाँ पे एन ए था और ये एसोसिएट होके किस में चला गया बताइए ए एन में, तो सिमिलरली यहाँ पर हुआ तो ये 1 मोल था तो यहाँ पे ये 0 था, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया अल्फा बाई एन, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5/2। चलिए अब सिमिलरली ये तो एसोसिएट का हमने मसला देख लिया, डिसोसिएट के केस में आप देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा क्या हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि कितना है अल्फा 0.5। तो यहाँ पे क्या 0.5 मोल और यहाँ पे 0.5 मोल बनेगा कि नहीं बनेगा, कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? Yes, sir. इन्होंने पूछा क्या भाई वांट ऑफ फैक्टर ऑफ एसिड, इस एसिड का वांट ऑफ फैक्टर बताइए, आई बताना है। तो अब देखिए, अब एक बात बताइए कि टोटल मोल निकालना होगा दोनों के केस में, एसोसिएट डिसोसिएट के केस में, तो मैं क्या करूंगा भाई टोटल मोल, टोटल अगर मोल निकालना है आपको तो क्या करोगे भाई, ये वाला जो बचे हुए ये वाला सभी को जोड़ दूंगा तो टोटल मोल निकल के आएगा कि नहीं आएगा? Yes, of course, आएगा। तो चलिए इसको हम ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 - 0.5 + 0.5/2 + 1 - 0.5 +
0.5 + 0.5. यहाँ पे देखिए ये माइनस 0.5 और यहाँ पे ये माइनस 0.5, ये माइनस 0, ये माइनस 0 कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो यहाँ पर 2 प्लस और ये क्या हो जाएगा 0.5/2, तो ये हो जाएगा 0.25। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आएंगे बताइए, 2.25 आएगा कि नहीं आएगा मोल, टोटल मोल। आया कि नहीं आया? यस सर आया। और शुरू में मेरे पास कितने मोल थे, एक ही मोल थे, तो जब एक मोल थे तो वांट ऑफ फैक्टर निकालना हो तो क्या करोगे भाई, टोटल मोल्स कितना हो गया 2.25 अपॉन यहाँ पर क्या करोगे बताइए, 1 से डिवाइड करोगे तो आई की वैल्यू कितना आ जाएगी, वांट ऑफ फैक्टर 2.25। इन्होंने अब इन्होंने बोला हुआ है कि भाई देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि भाई जो आंसर होगा वो क्या होगा, 10^-2 इंटीजर आपको देना है। तो अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करके लिखोगे कि भाई 2, मैं येलो में लिखता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो बताइए, 225 × 10^-2 इंटीजर सिर्फ वैल्यू हमें लेना है, तो आपका आंसर क्या आएगा 225। यही आंसर होगा कि नहीं होगा, 225, ये आपका इंटीजर टाइप आंसर। कोई डिफिकल्ट था क्या यहाँ पे, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स लेना था और शुरू में एक मोल था उसे डिवाइड कर देना, आपका वांट ऑफ फैक्टर आपका आ जाएगा। इस वाले फॉर्मूले से ही तो मैंने किया, और कुछ किया क्या, ये वाला फॉर्मूला देखिए, देख रहे हो आप लोग, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर में एक ही मोल था तो हमारा एक ही मोल। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, इसको आप लोग देखिए और बताइए कि भाई कैसे लगेगा। इसके लिए मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता दूं क्या? यस सर, फॉर्मूला बताना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए फॉर्मूला बताने से तो नहीं होगा, एक बार आप लोगों के लिए सॉल्व करना ही पड़ेगा इसे, कोई बात नहीं मैं ट्राई करता हूं इसे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि क्या हमने शुरू में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने बोला था कि भाई डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी इंटू वांट ऑफ फैक्टर। बताइए आप लोग, ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था शुरू में एकदम, कि जब भाई इलेक्ट्रोलाइट yes. होगा तब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इन्होंने बोला हुआ है कि भाई ध्यान से सुनिए, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन क्या बोला हुआ है कि भाई अ सॉल्यूट ए डाइमेराइज इन वाटर, यानी कि एक ए मॉलिक्यूल से जो क्या हो रहा है वो डाइमेराइज हो रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टू मोलर सॉल्यूशन यानी कि मोलालिटी कितनी है, 2 है, और ए जो है जैसे ही एसोसिएट हो रहा है चाहे डाइमेराइज हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए कि 100.52 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के कितना हो गया 100.52 डिग्री सेल्सियस। परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए बताइए, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए बताइए, उसका कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये क्या कहना चाहता है कि देखिए यहाँ पर एक 2A मॉलिक्यूल्स है और ये एसोसिएट हो रहा है, तो मैंने मान लिया कि अल्फा परसेंट से एसोसिएट हो रहा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है यहाँ पर अल्फा है, तो क्या ये ए टू बनाएगा कि नहीं बनाएगा बताइए आप लोग, ये ए टू बनाएगा। हमने बोला कि भाई टी इक्वल टू जीरो टाइम पर ये वन मोल है तो ये हो गया जीरो, टी इक्वल टू टी टाइम पर ये क्या हो जाएगा अल्फा मोल घटेगा तो वन माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू, यहाँ पे देखिए एन था तो अल्फा अपॉन एन था, यहाँ पे टू है तो अल्फा बाई टू। अब एक बात बताइए, वांट हॉफ फैक्टर जब आप कैलकुलेट करोगे इसके लिए तो आई इक्वल टू टोटल मोल कितना आएगा, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई टू, ठीक है, अपॉन बिफोर में कितना था वन, तो वन से डिवाइड कर दीजिए तो कोई मतलब है नहीं, तो वांट हॉफ फैक्टर कितना आया इतना, और जब आप इसको आप सॉल्व करोगे तो वन माइनस अल्फा बाई टू आएगा, इसको सॉल्व करेगा तो यही आएगा कि नहीं आएगा बताइए आप लोग। यस,
अब एक ध्यान से सुनिए, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना आप लोगों को, यहां से अगर आप वन ऑफ फैक्टर निकालोगे तो ये वाला पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो लेके आइए, अब आई की वैल्यू निकालिए, आई इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन के बी इंटू एम। अब बताइए वॉन्ट ऑफ फैक्टर है ना और एसोसिएशन हो रहा है, तो एसोसिएशन के केस में क्या अल्फा इक्वल, यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू वन माइनस अल्फा बाई टू है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से वन माइनस अल्फा बाई टू, हमें अल्फा ही निकालना है कि नहीं निकालना है, बताइए आप। Yes, sir. समझ में आया? अब देखिए आपको i की वैल्यू यहाँ से और i की वैल्यू यहाँ से आपने निकाला और दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट जब आप करेंगे तो आपको वैल्यू क्या क्या गिवन है। डेल्टा टीबी की बात करिए, ध्यान से सुनिए, डेल्टा टीबी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इन्होंने बोला हुआ सॉल्यूट डाइमराइज इन वाटर, हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो इन्होंने बोला कि भाई ये 100.52 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, जबकि आपको पता है कि भाई वाटर किस पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है, और जब हमने इसमें क्या कर दिया A2 डाइमराइज हुआ तो कितने पे बॉयल होने लगा, 100.52 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात बताइए कि जो यहाँ पे डेल्टा टीबी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.52 डिग्री सेल्सियस होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। और यहाँ पर जो मोलालिटी है वो 2 मोलल सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो मोलालिटी मेरी 2 आ गई। अब यहाँ का और केबी की वैल्यू यहाँ पे आप देखिए गिवन है, वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 52 अपॉन केबी की वैल्यू जो है 0.52 इंटू, कैलकुलेशन देखिए कितना आसान है, मोलालिटी यहाँ पर 2 है, इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे आप इसको देखेंगे जब आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर 1 होगा, तो यहाँ पे देखिए 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। और एक काम करिए, ये मेरा हो गया है, देखिए इसको ये 0.5 हो गया 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये क्या होगा, इसको इधर लेके आइए, इधर लेके आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन एरर होगा, तो हाँ 100% ही आने वाला है। सो यहाँ पे अगर आप इसको लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा आप जब इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक ना, 1 का मतलब कि भाई ये 100%, समझ रहे हो कैसे इसको सॉल्व किया है। यस सर, ठीक है, देखिए इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 0.5 माइनस 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बताइए माइनस 0.5, ठीक है, इंटू अल्फा बाई 2, ये भी माइनस होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये इधर आएगा तो 2, तो यानी कि 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो अल्फा इक्वल टू 1 आएगा, 1 का मतलब 100% एसोसिएट हो रहा है। 100% एसोसिएट का मतलब कि भाई अगर मान लीजिए कि 50 मॉलिक्यूल्स क्या था, ए था, तो ये एसोसिएट होके कितना बनाएगा, बताइए 25 मॉलिक्यूल्स जो है, 25 मॉलिक्यूल्स ए टू बनाएगा, समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आसान है, जेईई मेंस में रिसेंटली ईयर ही पूछा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी इन्होंने कोई बड़ा वो कोई मतलब बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको बस समझना आना चाहिए कि भाई कैसे हमें इसको यूज करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। इन्होंने बोला हुआ है कि भाई Ab2, ये जो क्वेश्चन क्या है, Ab2 molecules is dissociate 10% dissociate in water A2 plus and B minus। तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि भाई मेरे पास Ab2 molecules है और ये क्या हो रहा है, dissociate हो रहा है किसमें, A2 plus plus 2B minus। Done, इतना समझ में आया। और अल्फा की वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है कि भाई 10% का मतलब अल्फा की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, 0.1 यही होगा ना। अब इन्होंने बोला है, दूसरा क्या बोला है कि भाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द 10 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ab2 इज, यानी कि हमें क्या बताना है भाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताना है, इसका कहने का मतलब क्या है वो आप लोग समझिएगा। नहीं सॉरी, इन्होंने क्या पूछा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द 10 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ab2 इज,
तो इसके लिए कैसे सॉल्व करोगे, कोई आइडिया लग रहा है आप लोगों को? हेलो, यस सर। कुछ आइडिया नहीं लग रहा? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए, अब मैं बताता हूं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि अगर नंबर डिसोसिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, तो एलिवेशन ओबियसली बात है कि पहले ये कितना बोल रहे हैं कि भाई ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर मेरा बॉयल होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा, तो ये हो सकता है कि 100+1 चाहे 100+2, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही बॉयल होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। हेलो, यस सर। यस जब डिसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, तो मैं मान लेता हूं भाई कि 100 डिग्री से ज्यादा ही बॉयल होगा, तो अब मैं यहाँ पे एक चीज लिखने वाला हूँ कि हमारा जो फॉर्मूला क्या है कि भाई डेल्टा टी, ध्यान से सुनिए, फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बी इंटू मोलालिटी, ठीक है, इंटू वन ऑफ फैक्टर, यही होगा ना। अब एक बात बताइए, ये जो डेल्टा टी बी है, डेल्टा टी बी को मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई हमने ए बी टू यहाँ पर ऐड किया, ए बी टू ऐड किया, तो मैं मान लेता हूँ कि भाई डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ कि भाई मान लेता हूँ कि डेल्टा टी एक्स, सॉरी टी एक्स टेम्परेचर प्लस 100 डिग्री पर ये क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मान लेता हूं कि ये जैसे हमने Ab2 डाला, तो क्या हो रहा है कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस प्लस, हाँ चलिए, Tx यानी कि इतना टेम्परेचर मेरा क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो ये बॉयल होगा, इतना मानते हो कि नहीं आप? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, और नहीं, हाँ टी एक्स मान सकते हो आप कि टी एक्स टेम्परेचर पर ये इतना बढ़ेगा तो ये बॉयल होगा, फिलहाल के लिए मैं मानता हूँ कि भाई चलिए, अब यहाँ पे बाकी सारी वैल्यू दी हुई है, केबी की भी वैल्यू दी हुई है, मोलालिटी दी हुआ है, सारी वैल्यू आपको पुट करना है, यहाँ से सिर्फ आई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई की वैल्यू के लिए कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे भाई कि यहाँ पे देखिए, मैं मान लेता हूँ इनिशियली ये 1 मोल था, तो ये 0, ये 0, और 10% डिसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.1, तो ये 0.1 इधर बनेगा, और यहाँ पे 0.1 लेकिन 2 टाइम्स हो रहा है, तो इंटू टू, तो ये कितना हो जाएगा, 0.2। अब बताइए आई की वैल्यू निकालूंगा तो शुरू में 1 मोल था, और आफ्टर तो क्या हो जाएगा बताइए, ये घट के हो जाएगा 0.9 प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, 0.1 प्लस 0.2 टोटल मोल, और बिफोर बिफोर डिसोसिएशन कितना था, जस्ट 1 सेकेंड, बैटरी लो गई है। हाँ ठीक है, So, अब देखिए बिफोर डिसोसिएशन मेरा 1 मोल ही था, तो यही मेरा आई की वैल्यू आएगी, ये कितना आ जाएगी, 1.2, आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। बताइए आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, तो अब हमने क्या बोला कि भाई इसकी वैल्यू सारी यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो आपको आसानी से जो होगा, इन्होंने बोला है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एक्वस सॉल्यूशंस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन कितना आएगा, सो बेसिकली आ जाइए, चलिए यहाँ पे काम करते हैं कि डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी की वैल्यू जो दी हुई है 0.5 इंटू मोलैलिटी कितनी है, 10 इंटू 1.2, ये क्या आ रहा है, डेल्टा टी बी आ क्या रहा है वो पहले बताइए आप लोग। ये जो डेल्टा टी बी है उसको मैं मान लेता हूँ कि भाई ये टी एक्स टेम्परेचर पर, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एनोलॉजी गलत ली थी, हमने ए बी टू एड किया, ए बी टू क्या किया भाई एड किया, तो वो पहले पहले क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा था क्योंकि प्योर वाटर था, और जब हमने क्या करा कि जैसे Ab2 डाला तो वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो वो कितने पे चला जाएगा, Tx टेम्परेचर पर वो चला जाएगा, तो अब मैं बोलूं कि भाई Tx माइनस 100, ठीक है, इक्वल्स टू डेल्टा टी लिख सकता हूं कि नहीं लग सकता, कितने लोगों को ये समझ में आया,
सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहाँ पे बोलूं आप लोगों से कि भाई प्योर वाटर है, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, एक्वस सॉल्यूशन बोला हुआ है, देखिए एक्वस सॉल्यूशन, तो प्योर एक्वस सॉल्यूशंस कितने टेम्परेचर पर बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, होता है कि नहीं होता? यस सर। चलिए अब मैंने बोला कि भाई यहाँ पे Ab2 ऐड कर दिया कितना, 10 मोलर सॉल्यूशन Ab2 हमने ऐड किया, जब हम ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा, तो मेरा जो अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया है वो 100 डिग्री से बढ़ के कितना हो गया, Tx डिग्री हो गया, कितना हो गया, Tx डिग्री सेल्सियस, जो कि यहाँ पर जो Tx होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 100 होगा कि नहीं होगा, ये जो सोल्यूशन बना है, तो यानी कि अगर आप डेल्टा टी भी निकालोगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे, तो क्या करोगे भाई कि जो पहले प्योर सॉल्वेंट था उसमें से अब जो हमने ऐड किया तो बढ़ गया भाई बॉइलिंग पॉइंट, तो जब डेल्टा निकालोगे, डेल्टा टी भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी एक्स माइनस 100 करोगे तो क्या ये डेल्टा टी भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा भाई, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट का निकाल दो कि भाई प्योर तब था तो 100 डिग्री था और जब हमने सॉल्यूट ऐड किया तो वो बढ़ गया कुछ, और जो बढ़ा है उसमें से घटा तो जितना पहले था, तो वही तो मेरा एलिवेशन आएगा ना जितना बढ़ा था, नहीं समझ में आप लोगों को? यस सर समझ आ गया। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी बी की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, टी एक्स माइनस 100 इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा, हाँ इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करने के बाद ये कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करिए, देखिए ये 0.5 है, तो 0.5 है तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली हाफ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.6, और 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो गया। अब बताइए Tx यानी कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 106। यही इन्होंने पूछा हुआ है कि जो सोल्यूशन बन रहा है उसका टेम्परेचर क्या होगा, तो वो आ जाएगा 106। थोड़ा बहुत समझ में आया कि ब्लर ब्लर चला गया ये? यस सर समझ आ गया। चलिए आप लोग इसको ट्राई करिएगा इसके बाद, तो ऑब्वियसली ये सॉल्व तो हो ही जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर जो देखिए, इफ अ कंपाउंड ए बी डिसोसिएट टू एक्सटेंड 75% इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में ही वो डिसोसिएट हो रहा है, तो मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच शोस द राइज ऑफ द 2.5 केल्विन राइज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज, तो अब आपको यहाँ पर आप देखिएगा, एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ अ कंपाउंड ए बी डिसोसिएट 75%, यानी कि यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, एक कंपाउंड है मेरे पास ए और बी, ये रहा ए बी और वो डिसोसिएट हो रहा है, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 0.75। ठीक है, ये हो जाएगा भाई ए प्लस प्लस बी माइनस में डिसोसिएट हो रहा है, द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशंस विच शोज, ठीक है, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशंस विच शोज 2.5 के राइज इन टेम्परेचर यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक बात बताइए डेल्टा टी भी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2.5 केल्विन होगा कि नहीं होगा, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.75, और इन्होंने पूछा हुआ है कि भाई मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशंस बताइए कि वो कितना मोलल सॉल्यूशन होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि एम मोलल है जो कि हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ सिंपली आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है बताइए, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी इंटू वॉन्ट ऑफ फैक्टर, समझ में आया इतना, इलेक्ट्रोलाइट है तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए आई की वैल्यू वॉन्ट ऑफ फैक्टर कहाँ से कैलकुलेट करोगे, यहां से कैलकुलेट करो, चलिए मैं मान लेता हूं कि भाई ए बी जो था वो इनिशियली 1 मोल था, तो ये 0 0, टी इक्वल्स टू 0 पर भाई हमने बोला T इक्वल्स टू T टाइम पर या इक्विलिब्रियम टाइम पर ये कितना बताइए, 75% है यानी कि 0.75, तो यानी कि ये 0.75 रिड्यूस हो गया, तो इधर क्या 0.75 मोल और यहाँ पर भी 0.75 मोल बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए आप लोग। यस सर। अब एक बात बताइए, वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकालना है तो इसका टोटल मोल कर दीजिए, 1 माइनस 0.75,
प्लस ये क्या हो जाएगा 0.75 प्लस 0.75। अब देखिए अपॉन टोटल मोल बिफोर डिसोसिएशन 1 मोल था, तो आप डिवाइड करिए, यहां से ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये जोड़ के कितना आ जाएगा बताइए, आई की वैल्यू आ जाएगी 1.75, ठीक है। और यहाँ से अब आपको निकालना क्या था भाई, मोलालिटी निकालनी थी, तो मोलालिटी के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि भाई मोलालिटी का फॉर्मूला ऐसे आएगा, आप इसको ये वाला पूरा ये टर्म लेफ्ट साइड लेके जाइए, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा टी बी अपॉन क्या हो जाएगा के बी इंटू आई, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपकी मोलालिटी आ जाएगी भाई 2.5 केल्विन अपॉन के बी की वैल्यू जो गिवन है वो दिया हुआ है 0.52 इंटू आई की वैल्यू कितनी आ रही है 1.75। कैलकुलेट करके बताइए मोलालिटी कितनी आ रही है, बताइए बताइए बताइए। रुकिए मैं कैलकुलेट करता हूँ, चलो यार जल्दी जल्दी करो, 0.52 मल्टीप्लाई बाय 1.75 ये हो गया 91, ठीक है। So, यहाँ पे हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 0.91, तो ये आ रहा है आपकी मोलालिटी जो आ रही है 2.74। अब एक बात बताइए 2.74 है तो क्या मैं इसको रिफली नियर अबाउट 3 इंटीजर मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता, बताइए आप लोग। तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 3, क्योंकि हम नियरली इंटीजर या राउंड ऑफ करके मानते हैं, तो अगर 2.5 से अबव है तो आप उसको 3 मानिए, बिलो है तो 2 मानिए। सो जो इंटीजर टाइप वैल्यू में आंसर आएगा वो आएगा आपका 3। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो मैं दोबारा बता दूंगा यार, मेरे ऐसे बोलने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। हेलो यस सर, नहीं समझ में आपको कि समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, क्लास के बाद आप लोग एक बार रिवीजन करिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और आते भी, आपने देखा ना कि 2021 में ही हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे एक बात बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, जेई मेंस 2021 में पूछा हुआ है इवनिंग शिफ्ट में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे देखिए 0.6 मोलर एक्वस सॉल्यूशन हैज लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब मैं आप लोगों से बोलता हूं कि भाई आई की वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसी की बॉइलिंग पॉइंट चाहे एलिवेशन पॉइंट चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं होगा, जिसका आई की वैल्यू ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू जब आप निकालोगे, देखो Al2SO4 के केस में तो ये रहा भाई Al2SO4 थ्राइस, ये ब्रेक होगा तो किस में जाएगा बताइए, Al2 3+2 टाइम्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा SO4 3 × 2−, यानी कि बताइए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए, आई की वैल्यू निकालोगे तो आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2+3 5, बिफोर 1 तो कितना हो गया 5। अब बताइए इसका ग्लूकोज में निकालोगे तो ग्लूकोज का आई की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि ये ब्रेक होता ही नहीं है। अब बताइए के आई के केस में होगा तो बताइए के आई जो है ब्रेक होके किस में बनेगा, के प्लस प्लस आई माइनस, अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितना निकल के आएगी बताइए, आफ्टर डिसोसिएशन 2 और बिफोर डिसोसिएशन 1 तो आई की वैल्यू 2, के टू के केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, तो आई की वैल्यू Al2SO4 के केस में क्या है बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो होगा लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इसके केस में ज्यादा होगा, सो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन है। समझ में आया इतना? यस सर। चलो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद भी क्वेश्चन है, वन टॉप फैक्टर ही निकालना था यहाँ पे, आसानी से निकल जाएगा मैं बता दूंगा। चलो टाइम कितना हुआ अभी, 8:18, हाँ अभी थोड़ा बहुत टाइम है तो उसको हम लोग कवर कर ही लेते। यहाँ पे आप देखिए क्या बोला है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ये है डाइमेराइज इन बेंजीन, क्या हो रहा है भाई
डाइमेराइज हो रहा है, उसका मतलब आप समझिए कि भाई ये रहा आपका बेंजीन मॉलिक्यूल्स, मैं इसको शॉर्टकट में या हाँ चलिए स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये रहा आपका बेंजोइक एसिड, ये दो मॉलिक्यूल्स है, डाइमेराइज होगा और और आगे भी पढ़ लेते क्वेश्चन, बेंजोइक एसिड डाइमेराइज, डब्लू ग्राम ऑफ एसिड डिसॉल्व इन 30 ग्राम बेंजीन, यानी कि डब्लू ग्राम जो है एसिड है तो ये कितना ग्राम है बेंजोइक एसिड, मान लेते हैं कि भाई ये डब्लू ग्राम है, ठीक है कितना है बेंजोइक एसिड डब्लू ग्राम है, और ये डिसॉल्व कितने में हो रहा है बताइए 30 ग्राम में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई डब्लू ए जो है वेट ऑफ सॉल्यूट डब्लू ग्राम मैंने मान लिया, डब्लू बी जो है वो सॉल्वेंट कितना है मेरा 30 ग्राम है, और इन्होंने बोला है सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू 2 केल्विन, यानी कि डेल्टा टी एफ जो है वो कितना है 2 केल्विन, 2 केल्विन है, और इन्होंने बोला है परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिड फॉर्म डाइमर ऑफ द सॉल्यूशन इज 18, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितना दिया हुआ है 80%, यानी कि 0.8, ठीक है, और इन्होंने पूछा है कि भाई वेट बताइए कि वेट ऑफ सॉल्यूट यानी एसिड कितना ग्राम दिया हुआ है, केएफ की भी वैल्यू गिवन है और मोलर मास ऑफ द ये भी मेरा गिवन है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो उससे पहले आ जाते हैं हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो बताता हूँ भाई, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं के एफ इंटू एम इंटू आई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे आप देखिए ये एसोसिएट होके क्या बनाएगा वो देखिएगा, बेंजोइक एसिड का दो मॉलिक्यूल्स बनाएगा, हमने बोला कि भाई ये शुरू में वन मोल है तो ये जीरो, अब ये क्या हुआ टी इक्वल टू टी टाइम पर वन मोल में से कितना डिसोसिएट होगा 0.8, तो 0.8 यहाँ पे बन जाएगा 0.8/2, ठीक है, टोटल मोल्स निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा, टोटल मोल्स जब निकालोगे तो लगे यहाँ तो वांट ऑफ फैक्टर भी निकाल लेते हैं, 1 - 0.8 प्लस 0.8/2 यानी कि 0.4 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा चलिए अपॉन 1, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो वांट ऑफ फैक्टर कितना निकल के आएगा भाई, ये 8 था और ये प्लस 2 था 6 हो गया, तो 6 0.4 वांट ऑफ फैक्टर कितना आएगा बताइए 0.4, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि डेल्टा टीएफ को ये जो हमने फॉर्मूला निकाला हुआ है उसके लिए देखिएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 इंटू डब्ल्यू यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट जो निकालना है डब्ल्यू अपॉन यहाँ पे मॉलिकुलर वेट ऑफ जो है ये जो मेरा गिवन वैल्यू दी हुई है मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू डब्ल्यू बी सॉल्वेंट इंटू 1000 तो हमने पहले ही लिख दिया है, यहाँ पे हमें निकालना क्या था वो देखिएगा, ये W निकालना है तो इसके लिए आप एक काम करो कि सारे वैल्यू को लेफ्ट साइड में लेके चले जाओ, तो यहाँ पर अगर मैं W निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, W इक्वल्स टू ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन यहाँ पर और इंटू आई भी होगा, सो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1000 इंटू डेल्टा टी सॉरी 1000 इंटू के एफ इंटू आई, ये आएगा कि नहीं आएगा डब्ल्यू निकालने के लिए, यहाँ पर सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए आपको आसानी से निकल जाएगा, डेल्टा टी एफ यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2, तो 2 इंटू एम ए की वैल्यू जो मॉलिकुलर मास जो दिया हुआ है यहाँ पर 122 दिया हुआ है, तो 122 इंटू डब्ल्यू बी जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे 30 ग्राम जो गिवन है वो देखिए, तो यहाँ पे आप 30 पुट कर दीजिए अपॉन यहाँ पर आप देखोगे कि भाई 1000 ये क्या हो गया 1000 इंटू के एफ की जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है कहा गया, हाँ के एफ की वैल्यू दिया हुआ है 5 केल्विन, तो यहाँ पे आप 5 पुट कर दीजिए और आई की वैल्यू आपने निकाला हुआ है 0.4, अब इसको आप सॉल्व करिए तो आसानी से आ जाएगा
ये देखिए यहाँ से ये जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो हटाओगे तो ये टोटल फोर हो जाएगा, फोर ये क्या हो जाएगा मेरा ट्वेंटी, ट्वेंटी हो जाएगा, सो मैं एक बार ट्वेंटी और ये टू जुड़ जा फाइव, तो यहाँ पे हो जाएगा 122 into 3 upon 5 20, ये 100 हो गया, ठीक है 100 हो गया, सो इसको आप कट कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 0.123, और जब आप इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6, और ये भी मेरा 6 होगा into 3 point, ये आपका जो है नहीं, मॉलिक्यूलर मास जो है गलत आ रहा है, मैं कहां गलती कर दी, चलिए दोबारा इसको कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए ऐसे तो काम नहीं बनेगा, यहाँ पे आई की वैल्यू में हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या, तो 414 देखिए, सॉरी ये देखिए आप लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 40 तो यहाँ पे ये कितना आएगा 0.6, आई की वैल्यू 0.6 आएगी कि नहीं आएगी, ये वाला चेक करिए एक बार, मैंने यहाँ पे गलत किया था, ठीक है, अब आई की वैल्यू जब आप पुट करोगे यहाँ पे तो आप देखिए डेल्टा टी एफ जो है वो 2 इंटू एम ए की जो वैल्यू है वो 122 इंटू डब्ल्यू बी जो है वो 30 है अपॉन यहाँ पे ये 1000 होगा, सॉरी 1000 इंटू के एफ की जो वैल्यू है 5 इंटू आई की वैल्यू जो है वो 0.6, तो चलिए ये यहाँ से कट गया, आगे मैं इसको ये मेरा 50 हो गया, मैं इसको सॉल्व करता हूँ 122 इंटू 3 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 इंटू और ये मेरा हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो 3, ये 3 से 3 कट गया, यहाँ पे इसको आप सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, ये तो ये देखिए 2.44 ग्राम आ रहा है, ये आपका आंसर है, सो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, डी ऑप्शन इसमें जो राइट ऑप्शन, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको यही फॉर्मूला लगाना है जो मैंने यहाँ पे बता रखा है, ये वाला फॉर्मूला कहाँ गया, हाँ ये जो फॉर्मूले जो फोर फॉर्मूले है ना इसको आपको यूज करना है, और यूज करने के बाद सिर्फ आई की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करना है, आप आसानी से कैलकुलेट कर लो, ठीक है, हेलो हेलो हेलो, सुनो आप लोग ये देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आता होगा ना किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये सॉल्व कर लेगा, यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि भाई K2HgI4 is 40% ionized in aqueous solution, value of its Von Hoff factor, JEE mains में पूछा हुआ, बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई K2HgI4 ये अगर आयोनाइज होगा डिसोसिएट होगा तो कितना बोल रहा है भाई 40% डिसोसिएट हो रहा है, अल्फा की वैल्यू 40% है तो यहाँ पे निकालोगे तो 0.4 आएगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई 2K+HgI4 2 माइनस में आयनाइज होगा, अब मान लीजिए शुरू में ये 1 मोल था तो ये 0 अगर हमने माना कि 1 में से 0.4 जा रहा है तो ये क्या होगा 0.4 गया, कितना गया 0.4 गया, तो इधर क्या बनेगा 0.4 into 2, 2 times बनेगा और यहाँ पे 0.4 बनेगा, अब एक बात बताइए आई की वैल्यू निकालना है तो टोटल मोल्स कैलकुलेट करिए और शुरू में एक मोल है उसे डिवाइड कर दीजिए, तो बताइए 1 माइनस 0.4 प्लस ये क्या हो जाएगा 0.8 प्लस 0.4,
ये 0.4 से 0.4 कट गया, अपॉन डिवाइड कर दीजिए टोटल मोल से, तो टोटल मोल 1 था, यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस 0.8 क्या हो गया 1.8, इसमें से डी जो है आपका ऑप्शन राइट है, कोई डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, आप लोग इसको थियरी पढ़िए, थोड़ा बहुत कैलकुलेट करिए, सॉल्व करिए, तो ऑब्वियसली लगेगा। इस थियरी को आप रिवाइज नहीं करोगे तो काम नहीं बनने वाला, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो बनते हैं और आते भी हैं। ठीक है ना, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद हम अगला चैप्टर कैलकुलेट करेंगे, शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और आप लोग भी साथ में